नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डीसी विजय जाधव ने एमजीएम अस्पताल का शनिवार की रात निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी को पता चला कि बर्न वार्ड में बरसात का पानी घुस गया था। इसके बाद डीसी ने निर्देश दिया कि बर्न वार्ड को फौरन नई बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट किया जाए। डीसी ने नई बिल्डिंग का जायजा लिया। डीसी विजय यादव ने बताया कि बिजली विभाग के इंजीनियर को बुलाया गया है, वह आकर लिफ्ट की समस्या को हल करेगा। एमजीएम अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन कई साल से खराब पड़ी है। अस्पताल के अधीक्षक का कहना है यह नहीं बन पाएगी। इसके बाद डीसी ने फैसला किया है कि एक नई सिटी स्कैन मशीन खरीदी जाए ताकि मरीजों को सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि वह एमजीएम अस्पताल की सुविधा को और बेहतर बनाने में लगी हुई है। ब्लड बैंक से मरीज को कम से कम समय में रक्त मिले, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। डीसी विजय यादव ने बताया कि वह डॉक्टरों के साथ भी मीटिंग करेगी ताकि मरीजों को मिलने वाली सुविधा को और बेहतर बनाया जा सके। डीसी के निर्देश पर एमजीएम अस्पताल की पानी की टंकी को भी साफ सुथरा किया जा सकता है। एमजीएम अस्पताल में मरीजों को खाना देने के लिए तैनात की गई एजेंसी की भी जांच हो रही है कि वह कैसा खाना दे रहे हैं। डीसी ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार एक मरीज को एक वक्त में 100 रुपए का खाना दिया जाना चाहिए। क्या क्या कमी पाया है? इमरजेंसी वार्ड हमने देखा है, जनरली एक ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है कि इमरजेंसी में बहुत लंबे समय तक यहाँ पे पेशेंट लेटे हुए हैं। 6-7 दिन के पेशेंट हैं, 24 घंटे से ज़्यादा पेशेंट हुए हैं, तो उनको रिस्पेक्टिव वार्ड में शिफ्ट करने के लिए वी वॉन्टेड डॉक्टर्स टू एनकरेज। तो इसलिए नहीं शिफ्ट आ रहे क्योंकि वहाँ के जो वार्ड्स हैं वहाँ पे पेशेंट्स लेटे हुए हैं, तो बेड्स कम हो रहे हैं। तो ये दोनों साइड से असेसमेंट करना पड़ेगा कि वो जो रिस्पेक्टिव वार्ड्स है वहाँ पे ठीक होने के बाद उनका डिस्चार्ज भी ज़रूरी है। लोग यहाँ से विलिंगली जाना ही नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर का डिस्चार्ज देने के बाद भी 1-2 दिन या हफ्ता भर लोगों का स्टे बढ़ रहा है। तो एक हॉस्पिटल है, टर्शरी हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है, और यहाँ प्राइमरी कॉजेज़ के लिए लोग आ रहे हैं बाकी के जगह से। तो एक ही इंस्टीट्यूशन पर लोड है और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो आज हमने सुपरिटेंडेंट साहब को यही बोला है कि आप बाकी के वार्ड्स का भी असेसमेंट ले लीजिए, जहाँ शिफ्टिंग है वहाँ उसको तुरंत करते हुए अब इमरजेंसी में वार्ड्स को शिफ्ट करवाएं। कहीं पे फर्नीचर टूटा फूटा पाया गया है, कहीं पे बेड्स एंड बेड्स के बाजू के जो मेडिसिन रखने का जो बॉक्स होता है उसको साइड टेबल जो है बेड के बाजू का वो ठीक ठाक नहीं है, कहीं पे ट्यूब्स गई हुई है तो वो ठीक ठाक करने के लिए बोला है। ऑक्सीजन की पाइप इनके साथ ठीक है। डॉक्टर्स के साथ बातचीत के दौरान हमको पता चला कि कुछ दवाइयाँ हैं जो कम पड़ रही हैं, तो दवाइयाँ वहाँ पर होनी चाहिए। इमरजेंसी में आप पैरासीटामोल की गोली नहीं दे सकते, सम इंजेक्टेबल मेडिसिन नीड टू हैव, तो वो मेडिसिन उनके पास नहीं है, तो वो मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट उनके तरफ से आ गई। एक मशीन होता है जिसमें एक ही साथ आपका क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन, बाकी के ब्लड पैरामीटर से ब्लड काउंट्स पता चलते हैं, तो उस मशीन की उन्होंने डिमांड की गई। कुछ नॉमिनल 20-22 हज़ार रुपये का मशीन है, तो हमने इनको आयुष्मान भारत से फंड यूटिलाइज करने के लिए बोला था। बहुत सारे जगह पर फैंस नहीं थे, काफ़ी उमस है, सेंट्रलाइज एसी सिस्टम यहाँ पे है नहीं, पुराना सिस्टम है, तो अभी यहाँ पे मेजर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो फैंस हमने इनसे लगवाए हैं। ओवरऑल क्लीनलीनेस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, स्टाफ का अटेंडेंस अच्छा है, मगर आज भी बहुत सारे परिजन वार्ड्स में लोगों को रुग्ण के साथ लेटे हुए पाए गए। तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, वी आर पॉजिटिव। हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे ओवरऑल क्लीनलीनेस अच्छा है, स्पिटिंग वाले इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो रहे हैं, यहाँ वहाँ गाड़ियाँ जो पार्क होती थी वो कम हो गई है। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एक और एक कंप्लेंट आई है कि डायग्नोसिस के लिए अगर कुछ ब्लड या लिवर के या अन्य कोई लैब्स में सैंपल्स जाते हैं तो उसके रिपोर्ट्स वापसी में देरी आ रही है। तो यहाँ पे 2 डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, हम उन लोगों के साथ बात करके इनका क्या एक मिनिमम टाइम होना चाहिए जिसमें ये चीज़ें वापस आए, बैक टू द डॉक्टर्स पता चले, ताकि उसका वो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सके, तो वी विल वर्क ऑन दैट। ब्लड बैंक को भी हम एक बार चेक करेंगे कि ब्लड डोनेशन का कैंप कैसे लगता है, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ इनका। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।